नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। देश में कोरोना की दूसरी लहर लोगों को बहुत परेशान कर रही है, लेकिन राजनीति के कुछ लोगों को इसमें भी अपना फायदा ही दिख रहा है और ऐसे ही कोरोना गैंग अब देश के सामने बेनकाब हो रहे हैं। एक ओर देश के लोग कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर देश की मोदी सरकार लगातार कोरोना से निजात दिलाने में लगी हुई है, लेकिन तीसरी ओर एक ऐसा भी गैंग है जो कोरोना की इस महामारी में भी देश को बदनाम करने में लगा है और अब धीरे धीरे ये गैंग बेनकाब होता जा रहा है। पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बयानबाजी करने से नहीं मान रहे हैं। केजरीवाल लगातार दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में बेड की समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए केजरीवाल सरकार ने नया शगुफा तैयार किया है। केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया है कि हम दिल्ली में सबसे पहले ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत करने जा रहे हैं। दिल्ली के प्रत्येक जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाए जाएंगे। दिल्ली में कोरोना को संभालने के बजाय केजरीवाल लगातार लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश में एक तरफ कोरोना का कहर है और दूसरी तरफ कोरोना महामारी से निपटने वाले सामानों की कालाबाजारी पर राजनीति तेज हो गई है। नवनीत कालरा के पास से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद होने के बाद इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इधर भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के हाथ हमेशा कालाबाजारी और जमाखोरों के साथ रहे हैं और नवनीत कालरा का कांग्रेस के साथ सीधा संपर्क है। नवनीत कालरा के पास से 7500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब्त किए गए, जिनकी कीमत 13 करोड़ रुपए है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा, राहुल गांधी और उनके कांग्रेस दोस्त ही पहले ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचाते हैं और बाद में इन्हीं लोगों के पास से जब्त किया हुआ सामान मिलता है। नवनीत कालरा का कांग्रेस के साथ सीधा संपर्क है। अगर आप नवनीत कालरा का फेसबुक प्रोफाइल देखेंगे तो उसमें वो महामारी के लिए प्रधानमंत्री को दोषी बता रहे हैं। मीनाक्षी लेखी ने आगे कहा कि उनके रेस्तरा के शेफ राहुल और सोनिया गांधी के साथ फोटो खिंचवाते हैं और उन्हें अपना पहला परिवार मानते हैं। कोरोना संकट के बीच नेता दवाइयां और इक्विपमेंट बांट रहे हैं। पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फेबी फ्लू और रेमडेसिविर जरूरतमंदों को देने की घोषणा की। यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने तो लगातार लोगों तक दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाए हैं। ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, कई और बड़े नेताओं के नाम भी इसमें शामिल हैं। लेकिन अब मदद करने वाले इन नेताओं से पूछताछ भी शुरू हो गई है। याचिका में पूर्व शिवसेना विधायक चंद्रकांत रघुवंशी, गुजरात के भाजपा नेता सीआर पाटिल, महाराष्ट्र के भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस, भाजपा नेता शिरीष चढ़ूरी, एनसीपी के शरद पवार और रोहित पवार, कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल है। 4 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, अभी इस मामले में सीबीआई जांच की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन कोर्ट याचिकाकर्ता को कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस से शिकायत करने की अनुमति देती है। संकट के समय में भी कांग्रेस पार्टी राजनीति करने से नहीं चूकी। ऐसे में कांग्रेस को जवाब दिया है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कहा, आप जानती हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, फिर भी केंद्र की मोदी सरकार पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र की जनता के साथ खड़ी है। देश भर में जो भी राहत और सहायता उपलब्ध कराई गई, उसमें महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा मदद मिली है। वेंटिलेटर्स, BIPAP तथा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी बड़े पैमाने पर दिए गए हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए कई नेता मोदी सरकार पर टिप्पणी करने को ही अपना अंतिम लक्ष्य समझते हैं। केंद्र सरकार जिस तरह से कोरोना से निपटने के लिए काम कर रही है, इसके बावजूद कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की परेशानी ये है कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को कुछ ज्यादा ही महत्व दे देते हैं। एक ओर तो राहुल गांधी कोरोना से निपटने को लेकर पीएम से रोज सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी नेता ही कालाबाजारी करने में पकड़े जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।